हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैगजोन में। तो आज यहाँ पर एक नया जॉब अपडेट लेकर आप लोगों के साथ में हाजिर हुआ हूँ, जो कि हमारा आया है IIIM जम्मू, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू की तरफ से। और यहाँ पर पोस्ट आई हुई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट की जॉब यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर 22 होने वाली है। और अप्लाई करने का मोड जो यहाँ पर होगा ऑनलाइन होगा। सैलरी दोस्तों 20,000 रुपीज से लेके 42,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रखी गई है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 15 सितंबर से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 सितंबर 2020। तो यहाँ पर 23 सितंबर 2020 आखिरी डेट है शाम के 5 बजे तक अप्लाई करने की। इसके अलावा यहाँ पर और बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है, जिसमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 3 वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की 10 है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 7 है, फील्ड असिस्टेंट की 2 है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए MSc या फिर PhD मांगा है ऑर्गेनिक या मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आपको मांगा है MSc इन ऑर्गेनिक मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या फिर अगर आप BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से हैं तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो उसके लिए BSc मांगा है, या तो कंप्यूटर साइंस या तो IT में हो, या फिर आप डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर IT में। इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जॉब लोकेशन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर होने वाला है, और एज लिमिट आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाइड दे दी गई है। सैलरी की बात करें यहाँ पर तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 42,000 रुपीज प्लस HRA, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 31,000 रुपीज प्लस यहाँ पर HRA टू द स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड वाया CSIR, UGC नेट एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, एंड 25,000 प्लस HRA फॉर अदर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड फील्ड असिस्टेंट के लिए 20,000 रुपीज प्लस यहाँ पर HRA मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये ऑनलाइन इंटरव्यू आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट के थ्रू होने वाला है। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर नहीं होने वाला। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स की बात मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस यहाँ पर मांगे गए हैं। ठीक है, स्टेप्स एज वेरी मच सिंपल है, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हमसे क्वालिफिकेशन मतलब एडिशनल यहाँ पर क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, तो यहाँ पर मांगा है एक्सपीरियंस इन टोटल सिंथेसिस और नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेशन और मेडिसिनल केमिस्ट्री रिसर्च यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए यहाँ पर मांगा गया एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए मांगा गया है आपका एक्सपीरियंस इन DNA RNA एक्सट्रैक्शन, हैंडलिंग ऑफ क्लिनिकल सैंपल्स, नॉलेज ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स इंक्लूडिंग रियल टाइम PCR। फिर प्रोजेक्ट और 1 पोजीशन जो आपकी आई है उसके लिए मांगा गया एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको पता है कि हमारे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसको ऑपरेट करने की थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड वेब पोर्टल्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज MS SQL, MySQL एटसेट्रा, स्क्रिप्टिंग यहाँ पर लैंग्वेज PHP, ASP की यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन के लिए गुड नॉलेज ऑफ MS Excel एंड एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री, एक्सपीरियंस इन यूजिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर होना चाहिए। और बाकी आपका फील्ड असिस्टेंट या जिसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है उसमें आपका एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ HVAC सिस्टम दिया गया है। ठीक है, बाकी डेट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। सारा चीजें अप्लाई करने का मोड जो है ऑनलाइन है, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका नहीं होगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यही थी आज की जॉब अपडेट। अगर आपको जॉब अपडेट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है तो इसको जरूर अप्लाई करें, और नहीं है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो कि इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।